काम की लगन, दाम की लगन और राम की लगन, ये तीन विषयों पर अभी मैं चर्चा करूंगा। अभी आप लोगों ने सुना है, ये पूरी दुनिया, लड़का हो या लड़की, महिला हो या पुरुष, काम की लगन इतना जोर पकड़ रहा है। आज समाज का हालत दिन पर दिन गंभीर बनते जा रहा है। बंधुओं, श्रृंगार का अंतिम परिणाम क्या होता है? स्वर्ग मिलता है क्या? श्रृंगार से जमीन खरीदाता है क्या? नौकरी मिलती है क्या? क्या मिलता है श्रृंगार से? अंत में क्या मिलता है समाज को? एक लड़का कुमारा अवस्था में है, एक लड़की कुमारी अवस्था में है, दोनों के बीच संबंध की चर्चा हो रही है। फलदान पड़ गया है, तिलक भी चढ़ गया है, अब केवल विवाह बाकी है। लड़का अपने मन में बहुत खुश है, किसी से कहता नहीं है, अपने आप में वो मगन है। लड़का को लगता है कि सारा सुख का खजाना उस लड़की के पास है। अब वो लड़की हमें मिलेगी और सुख का खजाना मुझे मिल जाएगा। लेकिन लड़की भी सोच रही है अपने मन में, किसी से कहती नहीं है, वो सोच रही है सारा सुख का खजाना उस लड़के के पास है। अब वो लड़का हमें मिलेगा और सारा सुख का खजाना मैं पा लूंगी। लेकिन वास्तविकता है, सुख का खजाना न उस लड़के के पास है, सुख का खजाना न उस लड़की के पास है। अज्ञानता लड़के के पास है, वो अज्ञान बस सोच रहा है सुख वहां है। अज्ञानता लड़की के पास है, ये सोच रही है सुख वहां है। ये दोनों सुखिया है कि दुखिया? ये लड़का और लड़की सुखिया है कि दुखिया? सुख तो सत्संग में, सुख तो अपने आप में है, सुख तो ज्ञान में है, सुख तो ध्यान में है, सुख तो भक्ति में है और सुख तो भजन में। सुख वासना में नहीं, सुख साधना में। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, बसंत प्रकरण में बुढ़िया हंस बोली, मैं नीत ही वार, मुंह से तरुणी कवन नार। सदगुरु कबीर उसको बुढ़िया कह के पुकारते हैं। क्यों? कि बहुत दिन से है, जब से ये सृष्टि है, जब से ये संसार है, तब से ही बुढ़िया है। लेकिन बुढ़िया कहती है, हमसे जवान कौन औरत है इस संसार के अंदर, मुंह से तरुणी कवन नार। वो बुढ़िया कौन है? यहां बुढ़िया का कहना भी सही है और सदगुरु कबीर का कहना भी सही है।
बुढ़िया है इच्छा, ये इच्छा रूपी बुढ़िया आज की नहीं है। कबीर साहब ने पूछा तू जवान कैसे है, तो मैंने किसी के परदादा को भी फंसाया, उसके दादा को भी फंसाया, उसके पिता को भी फंसाया, उसके बेटा को भी फंसाया, उसके पोता को भी फंसाया, उसके परपोता को भी फंसाया। हम तो नित जवान हो रहे हैं, हम बुढ़ा कहां रहे हैं। बुढ़िया हंस बोली मैं नीत ही वार, मुंह से तरुणी कवन नार, मुझसे जवान कौन औरत है दुनिया के अंदर, सबसे जवान मैं हूं, सबसे सुंदर मैं हूं। लेकिन बुढ़िया कह रही है अपनी कमजोरी, दांत गए मोरे पान खात, अगर कोई ऐसा साधु संत दृढ़ प्रतिज्ञ होकर रेड अलर्ट होकर सावधान होकर जब वो सत्संग रूपी पान का बीरा चबाता है तो मेरा सारा दांत झड़ जाता है वहां, अर्थात मैं वहां कुरूप हो जाती हूं। कोई सुंदर लड़की हो नौजवान और उसके मुंह में एक भी दांत न हो, उसकी सुंदरता कैसी होगी, अच्छी लगेगी। तो दांत भी सुंदरता का प्रतीक है, अर्थात इच्छा रूपी बुढ़िया वहां डिफिट खा रही है, इसकी हार हो रही है। दांत गए मोरे पान खात, दूसरे शब्दों में कहती है केस गए मोरे गंग नहात, कोई ऐसा साधु संत दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सावधान होकर जब वो सत्संग की दरिया में प्रवेश कर जाता है तो मेरा वहां बाल झड़ जाता है, अर्थात मैं वहां डिपिट खाती हूं। कोई सुंदर औरत नौजवान हो और उसके माथे में एक भी बाल न हो, उसका रूप कैसा लगेगा, अच्छी लगेगी क्या। इसलिए बाल भी सुंदरता का प्रतीक है, यह इच्छा रूपी नारी वहां भी डिपिट खा रही है। तीसरे शब्दों में कह रही है नैन गए मोरे कजरा देत, कोई साधु संत दृढ़ प्रतिज्ञ होकर जब अपने नैन में विवेक का काजल लगाता है, विवेक रूपी काजल लगाने का मतलब है जायज क्या है नाजायज क्या है, असली क्या है नकली क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, जड़ क्या है चेतन क्या है, प्रकृति क्या है पुरुष क्या है, व्यवहार क्या है परमार्थ क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, लाभ क्या है हानि क्या है, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, इन सारी बातों को समझने के लिए विवेक की चक्षु चाहिए मनुष्य, नहीं तो इसको कोई पता नहीं है लाभ क्या है और हानि क्या है। इच्छा रूपी नारी कह रही है जब कोई साधु संत सतर्क होकर सावधान होकर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अपने आंख में विवेक का काजल लगा लेता है, उस समय मैं दोनों आंख से वहां अंधी हो जाती, आंख भी सुंदरता का प्रतीक है। कोई सुंदर नौजवान लड़की हो और उसको दोनों आंख खत्म हो, उसकी सुंदरता नहीं रहेगी। खास करके महिलाओं के लिए दांत केश
और आंख ये सुंदरता का प्रतीक है। ये बुढ़िया कह रही है वहां मैं दोनों आंख से अंधी हो जाती हूँ, अर्थात डिफिट खाती हूँ, अर्थात मेरी हार हो जाती है वहां। नहीं तो हर जगह मैं जीत रही हूँ, हर जगह मैं जीत रही हूँ, केवल सत्संग में जाके मेरी हार हो रही है। उस सत्संग में भी ऐसे कोई संत महात्मा है जिनके द्वारा मेरी हार हो रही है, नहीं तो मैं हारती कहीं नहीं। सबसे जबरदस्त बात ये इच्छा रूपी नारी कह रही है, जान पुरुष बा मोर आहार। जिसने वासना को जान लिया, जिसने नशा को जान लिया, जिसने कुकर्म को जान लिया, वो मेरा भोजन है भोजन, मैं उसको रोज चिबाती हूं। वैसे पुरुष को मैं रोज भोजन करती हूं। जान पुरुष वा मोर आहार और अनजाने का करो श्रृंगार। आ जिसको इसके विषय में अभी मालूम नहीं है, जो नौजवान है उसको फंसाने के लिए तो मैं सोलहो श्रृंगार और बतीसो अवरण करती हूं। सारे इच्छा के गुलाम औरत हो या मर्द हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, नर्तन पाए विषय मन देही पलटी सुधाते सठ बीस ले ताही कबहु भल कहे न कोई गुंजागर से परस मनी खोई आकर चारी लक्ष चौरासी जोनी भरमत यह जीव अविनाशी। जब यही पसंद है हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब ने एक पराती भजन लिखा, उसमें क्या लिखा उन्होंने, उठो मोमोक्षो मोहनी दसे ध्यान भजन की बेला है आत्मबोध बिनु जन्म जन्म से आत्मबोध बिनु जन्म जन्म से मन इंद्रिय संग खेला है उठो मोमोक्षो। बकरी के जोनी में गए तो वही हाल, आ गाय के जोनी में गए तो वही हाल, और कुत्ता के जोनी में गए तो वही हाल, हाथी घोड़ा के जोनी में गए तो वही हाल, आ मनुष्य का जोनी पाए तो फिर वही हाल। क्या भजन और क्या भक्ति हो, वासना से भक्ति होती है क्या, साधना से भक्ति होती है, साधना से कल्याण होता है। ये तो जन्मने मरने का उपाय है। वासना क्या है, जन्म लीजिए और मरिए, जन्म लीजिए और मरिए, यही तो मिलेगा अंत में। वो लड़का और लड़की दोनों दरिद्र है, दोनों में से सुखिया कोई नहीं है, दोनों भिखारी है, दोनों भिखमंगा है। फर्क है कि इस लड़की को लगता है लड़का है धनी और लड़का को लगता है लड़की है धनी, लेकिन वास्तविकता है लड़की भी दरिद्र है और लड़का भी दरिद्र है। ये दोनों दरिद्र एक दिन मड़वा पर जाके मिलेंगे, ये दोनों दुखिया एक दिन मड़वा पर जाके मिलेंगे। और दो एक एक जगह लिखा जाए तो पढ़ने में कितना होगा,
दो एक एक जगह लिख दे तो पढ़ने में कितना होगा, एक ग्यारह। एक दरिद्र लड़का एक दरिद्र लड़की और दोनों मिलेंगे मरबा पर और दोनों मिलके एकाध दर्जन बच्चा पैदा करेंगे, दुख ग्यारह गुना बढ़ेगा। उसी बच्चा का पैखाना पेशाब नेटा पोटा अब ब्याह शादी करके दोनों प्राणी नरक चले जाएंगे। काम का लगन से कितना फायदा मिला अंत में, क्या सब फायदा मिला, क्या सब फायदा उठाए। छन लगी सुख जन्म भर पीरा, कष्ट न समझ ही खोटी अधीरा। वासना का सुख है 5 सेकंड का और दुख है पूरे जीवन का। दुख पूरे जीवन भर उठाना पड़ेगा, याद कर लीजिए। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, वो महिला कह रही है, जान पुरुषवा मोर आहार, अनजाने का करो श्रृंगार, कहे कबीर बुढ़िया आनंद गाए। इच्छा रूपी बुढ़िया आनंद की गीत गा रही है, कहे कबीर बुढ़िया आनंद गाए, अपूत भता रही बैठी खाए। दोनों को खा गई, पूत को भी खा गई और दुल्हा को भी खा गई, दोनों को खत्म किया। यही लगन है। इस लगन में वास्तव में ये साध्वी बोल रही थी। अब पश्चिमी सभ्यता आया, जब स्टेशन पर जाता हूं ट्रेन पकड़ने, एक भी लड़की सलवार कुर्ती में नहीं मिलती है, सब जींस पैंट और टी शर्ट पहन के रहती है खड़ा स्टेशन गाड़ी पकड़ने। क्या करेगी लड़की सब, इंजीनियर बनेगी कि हेमा मालिन बन जाएगी, सिनेमा में जाएगी क्या, कि डॉक्टर बनेगी कि कलेक्टर बन जाएगी। मुसलमान को तो हम लोग हंसते हैं, लेकिन मुसलमान, एक मुसलमान हमसे कहा, एक मुसलमान हमसे बताया कि हम लोगों को तो आप लोग हंसते हैं मुसलमान को, लेकिन आप बताइए, आप लोगों के यहां जब विवाह होता है लड़की के और जब बरियात आता है, तो आपके यहां की औरत लड़का के नानी के दादी के मौसी के ममानी के फुआ के एक भी इज्जत एक जगह रखती है क्या। हम लोग के यहां भी सुने हैं कभी, मुसलमान के यहां भी कभी सुने ऐसी बात। मुसलमान की बेटी कितना पर्दा में रहती है, उसके पैर की उंगली आप नहीं देख सकते हैं, उसका मुंह नहीं देख सकते हैं, आंख भले ही धोखा से देखा जाए तो देखा जाए, इतना इज्जत से चलती है, इतना पर्दा से चलती है। मोहम्मद साहेब मुसलमान थे, उन्होंने कहा, औरत पराई मर्दों से और मर्द पराई औरतों से, अपने निगाहें बचा के रखे और अपने अपने शर्मगाहों की रक्षा करे। ये मोहम्मद साहब की बात। आज हिंदू समाज जिसको हिंदू कहते हैं, ये कहां जाएगा, क्या करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। सब काम के लगन में व्यस्त है, एकदम कुछ सूझ नहीं रहा, अंधा हो गया। लड़की भी अंधी होती चली जा रही है और लड़का भी अंधा, ये वासना का निमंत्रण दे रहा है दोनों मिल। अंत में कोई लाभ नहीं, अंत में दुख। वासना का रिजल्ट अंत में दुख है। बेटा भोजन नहीं देगा, पुतोह भोजन नहीं देगी, पंच के यहां जाना पड़ेगा। कपड़ा नहीं मिलेगा, बिछावन सही नहीं मिलेगा, यही तो अंत में होगा। बंधुओं,
हम सारे लोग काम के लगन में व्यस्त हैं, जहां से रिजल्ट अंत में कोई अच्छा मिलने वाली नहीं है। दो चार बाल बच्चे होंगे, दो चार बाल बच्चे होंगे, वासना की गर्मी खत्म हो जाएगी और उसी का लालन पालन करते बस समाप्त, खत्म हो गया, मिला कुछ नहीं अंत में। और दूसरे लोग दाम के लगन में व्यस्त हैं, दाम के लगन में व्यस्त रहने वाले चोरी करते हैं, दलाली करते हैं, घूस लेते हैं, बेईमानी करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, आटा में चोकर मिलाते हैं, घी में डलडा मिलाते हैं, चावल में कंकर मिलाते हैं, डंटी मारते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं धन बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए। साहब कबीर ने कहा, सपने सोया मानवा खोली न देखे नैन, जीव पड़ा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। जैसे सपना में हम लोग रात्रि में सोए रहते हैं, सपना देखते हैं कि हम हाथी पर बैठे हैं, 500 बीघा जमीन हमारे पास है, हम भारत के प्रधानमंत्री हो गए, हम बिहार के मुख्यमंत्री हो गए, कलेक्टर की नौकरी पा गए, 5 महल का मेरा मकान है। और सवेर में जब नींद खुलती है तब क्या सब मिलता है? या सपना में हम देखते हैं कि हमको भूत ने मार दिया, हमको डकैत ने मार दिया, हमको सांप ने काट लिया, हम मर गए, हमको बाघ ने मार दिया, हमको सिंह ने मार दिया। और नींद खुलती है तब क्या मरे रहते हैं, मर जाते हैं क्या? वैसे दुनिया का नाना कुकर्म करके हम सपना का महल तैयार करना चाहते हैं। जैसे नींद खुली तो ना आप राजा हैं और ना आप दरिद्र हैं, ये दोनों झूठ था। ठीक उसी प्रकार से अभी जो आप महल बना रहे हैं, अभी जो आपकी जमीन की खरीदारी हो रही है, आपका गाड़ी घोड़ा खरीदा रहा है, माल मवेशी खरीदा रहा है, हाथी घोड़ा, ये सारा आपने सपना का महल तैयार किया है। नींद खुली तो सारे कुछ खत्म हो गए, आंख खुली तो सारे कुछ खत्म, और जितना कुछ आपने बनाया है आंख बंद हुई तो सारे कुछ, आंख बंद हुई महल किधर गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के आनंद भवन किधर गए? इंदिरा गांधी का सारा सुख कहाँ गया? राजीव गांधी, संजय गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, मुरारजी दसाई, वो पद कहाँ गया प्रधानमंत्री वाला? सारा सुख किधर चला गया? ये सपना का महल जागृति में लोग बना रहा है, दाम के लगन में फंसकर। बहुत सारे लोगों को तो सत्संग अच्छी नहीं लगती है, अरे क्या ही निठल्ला बाबा जी सब कोई काम नहीं है, अपना कुछ बोल रहा है। बंधुओं, ये दाम का लगन भी आपको अंत में नरक ले जाएगा, काम का लगन भी नरक ले जाएगा,
दुख में ले जाएगा और दाम का लगन भी आपको दुख में ले जाएगा। परम पूज्य अभिलाष साहब एक बार मन से बोल रहे थे, लोग कहता है कि निपुत्तर के दर्शन करने से जतरा बिगड़ जाता है, तो साहेब जी ने कहा कि मेरा भी दर्शन कोई आदमी मत कीजिए, हम भी निपुत्रे हैं, हम भी निपुत्तर हैं, हमको भी एक भी बाल बच्चा नहीं है, तो हमारा दर्शन कीजिएगा जतरा बिगड़ जाएगा। अगर पूत वाली के दर्शन से जतरा बन जाए तो सब लोग कुत्ती के दर्शन कर लीजिएगा, 16 को बेटा एक के दिन सबका जतरा बन जाए। बच्चा पैदा करना, भोजन करना, पानी पीना, पैखाना पेशाब करना, बच्चा पैदा करना, सोना, दुश्मन से भय रखना और बाल बच्चों से लाड़ प्यार करना, ये धरती पर जितने भी अंडज पिंडज और उष्मज जितने भी प्राणी हैं सब भोजन करते हैं, सब पानी पीते हैं, सब पैखाना पेशाब करते हैं, सब बच्चा पैदा करते हैं, सब विश्राम करते हैं, सब दुश्मन से डरते हैं और सब अपने अपने बाल बच्चों से प्यार करते हैं। ये कौन बड़ी बात है? अगर मनुष्य इतना ही काम तक सीमित है तो उसको मनुष्य कहने का अधिकार है क्या? वो मनुष्य है क्या?